तो दिल्ली में रविदास मंदिर में पीएम मोदी समाज से जुड़े हुए हैं, दर्शन करते हुए ये उनकी तस्वीर है। दिल्ली के रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए और कीर्तन में भी हिस्सा लिया। पूजा के बाद कीर्तन में शामिल हुए पीएम मोदी के रूप में वो बैठे हुए हैं और किस तरह से वो पीएम मोदी ने बजाया झीका। इससे पहले भी कई बार हम इस तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए पीएम को देख चुके हैं और इस वक्त वो संत रविदास मंदिर में थे और ये उनकी तस्वीर वहां की जहां वो झीका बजाते हुए कीर्तन में शामिल हुए। देखें आज संत रविदास होता है और जयंती है, अरदास की बात करें और शब्द की बात करें, इस मौके पर कीर्तन की बात करें तो वो लोग सभी राजनीतिक दल और नेता इससे शंखनाद से कहीं रविदास मंदिर पहुंच रहे हैं और ये दिल्ली के रविदास मंदिर से तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। आज की अपनी यूपी और पंजाब की रैलियों से पहले वो सुबह सुबह यहां पहुंचे और कीर्तन में हिस्सा लिया। कुमार गौरव हमारे संवाददाता मंदिर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार गौरव, सभी पॉलिटिकल पार्टीज आज संत रविदास के दर पहुंच रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी की हम तस्वीर देख रहे हैं कीर्तन करते झीका बजाते दिल्ली में। देखिए बिल्कुल, ये दिल्ली का करोल बाग का मंदिर है, श्री गुरुदास विश्रामालय है। प्रधानमंत्री ने कल भी ट्वीट किया था और जन्मतिथि जो उनकी थी उस पर अपनी बात कही थी। उनको एक बड़ा और कर्मठ समाज सुधारक प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में बताया था और आज सवेरे वो यहाँ पहुँचे। लगभग 10 से 12 मिनट का वक्त उन्होंने यहाँ पे दिया है और अंदर पूजा पाठ किया और उसके बाद अरदास किया, उसके बाद फिर जो कीर्तन होता है उसमें भी भाग लिया है उन्होंने यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी चुनाव का भी माहौल है, इसके बाद पंजाब में प्रधानमंत्री की रैली भी है यहाँ से निकलकर, उसके बाद वो पंजाब के लिए निकलेंगे, पठानकोट में उनकी रैली है और पश्चिम और पंजाब में 32% दलित आबादी है। तो कहीं ना कहीं एक चुनावी माहौल के बीच में ये मौका आया है तो इसका फायदा उठाने की कोशिश तमाम राजनेता करते हैं। प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले एक नेता हैं, एक सांसद हैं और पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। तो जाहिर सी बात है संत रविदास का काफ़ी महत्व है। 2016 से 19 तक भी वो लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पहुंचते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं। लेकिन कल रात को ही उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि 9 बजे वो इस मंदिर में पहुंचेंगे, क्योंकि यहां आने से उन्हें प्रेरणा मिलती है। समाज में जो कुप्रथा थी उसको मिटाने में संत रविदास ने बहुत बड़ा रोल निभाया था।